की बूंदाबांदी के बाद सोनीपत में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है और सर्दी की पहली धुंध देखने को मिल रही है। हालांकि जिस प्रकार से अब धुंध पड़ी है तो विजिबिलिटी जीरो देखी जा रही है और थोड़ी थोड़ी दूरी पर भी वाहनों को चलने में परेशानी उठानी पड़ रही है, चाहे दो पहिया वाहन हो या चार पहिया वाहन है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि वाहन रेंग रेंग कर जो हैं वो चल रहे हैं, तस्वीरों में देखा जा सकता है खास तौर पर, क्योंकि जिस प्रकार से तस्वीर देखें तो दूर दूर तक जो है विजिबिलिटी काफ़ी कम नज़र आ रही है और इसकी वजह से दो पहिया वाहन से लेकर चार पहिया वाहनों को परेशानी उठानी पड़ रही है। हालांकि जिस प्रकार से बात करें तो सर्दी की यह पहली धुंध है और पहली धुंध के बाद जो है अब परेशानी ये है कि दो पहिया वाहन से लेकर चार पहिया वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं और दूसरी तरफ बात करें तो मौसम में काफ़ी नमी की मात्रा देखी जा रही है और सर्दी दस्तक दे चुकी है। खास तौर पर बात करें तो जिस प्रकार से गेहूं की फसल के लिए कहीं ना कहीं यह फ़ायदेमंद ज़रूर रहेगा, हालांकि काफ़ी किसानों ने अभी गेहूं की बिजाई भी नहीं की है, उनके लिए दिक्कत भरा ज़रूर हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से मौसम में तब्दीलियां हो रही हैं और सर्दी की पहली धुंध आज पड़ी है और इसके बाद जो है सर्दी भी पूरी तरह से दस्तक दे चुकी है, क्योंकि दो दिन की बारिश के बाद अचानक यह धुंध पड़ी है और आगामी तीन दिन में भी बारिश की संभावना मानी जा रही है और जिस प्रकार से कई क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश होने की भी संभावना मानी जा रही है, लेकिन जिस प्रकार से आज धुंध पड़ी है विजिबिलिटी जीरो है और दो पहिया वाहन से लेकर चार पहिया वाहन काफ़ी परेशानी के साथ जो है सड़कों पर रेंग रेंग कर चल रहे हैं। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए राम सिंह मार। मौसम में किस प्रकार के बदलाव हुए भाई साहब? दो दिन से बूंदाबांदी चल रही है और आज सर्दी की पहली धुंध पड़ी है जिसमें बहुत ज़्यादा धुंध है आज, जिसमें गेहूं में तो अच्छा लाभ है लेकिन जिसकी बुआई रह रही है उसको नुकसान हो रहा है और इस रोड पे तो बहुत गड्ढे हो रहे हैं, धुंध में आने जाने की समस्या बहुत ज़्यादा हुई है और एक्सीडेंट का भी खतरा बना हुआ है और जगह जगह पर गड्ढे बने हुए हैं। वाहन किस प्रकार से रेंग रेंग कर चल रहे हैं? कितनी देर? बिल्कुल 5 की स्पीड से चल रहे हैं, आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल आराम आराम से रोड पर गए वाहन गुजर रहे हैं। सड़कों के क्या हालात हैं? सड़क के तो फिलहाल खस्ता हाल हो चुके हैं, जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। कौन सा रोड है ये? ये सोनीपत शेपुर खास रोड है जो खानपुर जाता है, घुमाना जाता है, पीजीआई खानपुर जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है आने जाने में। पहली धुंध है आज? हाँ, सर्दी की आज पहली धुंध है। क्या नाम भाई साहब का? मुकेश। किस प्रकार का मौसम है आज? आज काफ़ी साल की पहली धुंध है और अच्छी धुंध पड़ रही है, यहाँ रोड खराब है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। किस प्रकार से दो दिन से बूंदाबांदी हो रही थी? हाँ, बूंदाबांदी के कारण मौसम खराब हो रहा है और धुंध भी काफ़ी पड़ रही है। सड़कों के हालात क्या हैं? ऐसे गड्ढों के बीच में धुंध है और इस प्रकार से दुर्घटना संभावित नहीं है? सड़कों के हालात गांव के खेतों के रास्तों से भी खराब है और गड्ढे कम है, रोड कम है और गड्ढे ज़्यादा हैं।